उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ पर रहने वाले नागा बाबा बम्बम नाथ ने महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी और महंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बम्बम नाथ का कहना है कि वह पिछले 18 सालों से लगातार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर रहे थे। कोरोना काल में उन्हें रोक दिया गया, तब से अब तक मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बम्बम नाथ ने आरोप लगाया कि उनकी वजह से पंडित पुजारी और महंत की कमाई मारी जा रही थी, इसलिए इन्हीं लोगों ने प्रतिबंध लगवाया है। बम्बम नाथ अब मंदिर के बाहर से शिखर दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में जान है वह शिखर दर्शन ही करते रहेंगे। 18 साल से लगातार तपस्या करते हुए चला आ रहा हूँ, 20वां साल है। 20वां साल है, 20 साल से लगातार मैं 18 साल तक तो मैं गर्भगृह के अंदर रहा। इसके बाद किसी कारणवश पंडितों को हिंसा पैदा हो गई और वहाँ के पुजारियों को हिंसा पैदा हो गई और वहाँ के जो सामने महंत हैं, प्रेमी भगवान के भगत हैं, उनको लोगों को हिंसा प्रकट हो गई कि ये बाबा है तो इससे मेरे हम लोग की कमाई मर गई है। बाबा के रहते हुए कोई हम लोग के पास आता नहीं, जो हम लोग की कमाई थी वो खत्म हो गई। इन लोग की हिंसा प्रकट हो गया और इन लोग को मालूम था कि जब ये बाबा एक दिन अगर गैर हाजिर हो जाएगा, एक दिन नागा हो जाएगा तो फिर कभी मंदिर में आएंगे नहीं। इसलिए वहाँ के पंडे पुजारी और जो भी वहाँ के थे साधु संत महंत लोग मिल करके साजिश चले और कोरोना काल में लॉकडाउन में लोग ने मुझे रोक दिया और जिस दिन से रोक दिया उस दिन से मैं अंदर जाना बंद कर दिया गर्भगृह में और मैं बाहर से शिखर दर्शन करता हूँ। और वो शिखर दर्शन कब तक करता रहूंगा? जब तक मेरे जान में जान है। जब तक मेरे जान में जान है मैं कभी महाकाल का दर्शन नागा नहीं करूंगा, कभी गैर हाजिर नहीं होगा। जब तक मैं उज्जैन के अंदर हूँ तब तक कभी नागा नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी रहे या चली जाए, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक दर्शन करूंगा।